स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एब्रीविएशंस और सिंबल्स विच आर यूज्ड इन राइटिंग मेडिकेशन ऑर्डर। बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एब्रीविएशंस एंड सिंबल्स यूज्ड इन राइटिंग मेडिकेशन ऑर्डर। सो जब भी डॉक्टर मेडिकेशन ऑर्डर लिखते हैं या फिर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उस टाइम कौन कौन से एब्रीविएशंस और सिंबल्स यूज होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इन एब्रीविएशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नर्सेज हों या डॉक्टर्स हों, क्योंकि ये रूटीन में यूज होते हैं। सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एब्रीविएशन आती है AC। सो मैं एब्रीविएशन बताऊंगी, देन उसका लैटिन में फुल फॉर्म क्या है, मीन्स डेरिवेशन क्या है, एंड देन उसका मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट आता है AC। AC का मतलब होता है लैटिन में एंटीसाइबम। सो एंटीसाइबम का मतलब है बिफोर मील्स, मतलब बिफोर फूड, खाना खाने से पहले जो हमें मेडिसिन लेनी होती है उस पर लिखा होता है AC, जैसे कि ओमेप्राजोल। सो ओमेप्राजोल क्या है, ये खाना खाने से पहले लेना होता है, एम्प्टी स्टमक लेना होता है, तो दैट इज AC। AC यूज होता है बिफोर मील्स के लिए, मींस एम्प्टी स्टमक के लिए AC यूज होता है, कि आपको खाना खाने से पहले, मींस खाली पेट, ये मेडिसिन लेनी है। देन आता है हमारा PC। PC का लैटिन में मतलब होता है पोस्ट साइबम, और इसका मीनिंग क्या है, आफ्टर मील्स। इससे ऑपोजिट है AC का ऑपोजिट PC। सो PC का मतलब है आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद जो मेडिसिन लेनी होती है उसके लिए लिखा होता है PC। सो ये टाइम पर डिपेंड करता है, ये जो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं टाइम के ऊपर है कि हमें किस टाइम में मेडिसिन लेनी है। देन आता है AM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम मतलब बिफोर नून। बिफोर नून मतलब 12 बजे से पहले, दोपहर 12 बजे से पहले जो मेडिसिन लेनी होती है उनको बोलते हैं AM। देन आता है PM। PM का मतलब होता है लैटिन में पोस्ट मेरिडियम। सो लैटिन में इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम, एंड इसका मीनिंग होता है आफ्टरनून। आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद जो भी मेडिसिन लेनी होती है उसके लिखा होता है PM। देन आता है ऑल्ट डाई। ऑल्ट डाई इसका मतलब होता है लैटिन में ऑल्टरनेस डायबिन्स, इसका मतलब है मीनिंग ऑल्टरनेट डेज। सो ऑल्टरनेट डेज का मतलब है एक दिन ली, देन नेक्स्ट डे छोड़ के उससे नेक्स्ट डे हमने लेनी है, तो ऑल्टरनेट डेज पर जो मेडिसिन लेनी होती है उसके लिए यूज होता है ऑल्ट डाई। देन आता है OM। OM का मतलब होता है लैटिन में ओमनी मेन। सो OM इज ओमनी मेन, इसका मतलब होता है ईच मॉर्निंग। OM मीन्स ईच मॉर्निंग, मतलब रोज सुबह आपको लेनी है। सो ये डॉक्टर बताएंगे कि आपको एम्प्टी स्टमक लेनी है या आफ्टर मील लेनी है। देन आता है OD। OD इज ओमनी डाई। ओमनी डाई का मतलब है डेली। सो जो मेडिसिन आपको डेली लेनी होती है उसके लिए यूज होता है OD। डेली का मतलब है वंस अ डे, मतलब दिन में एक बार डेली। सो OD। देन आता है OM। OM का मतलब होता है ओमनी नोट। ओमनी नोट का मतलब है ईच नाइट, जो रोज रात को आपको लेनी है मेडिसिन, दैट इज OM। नेक्स्ट इज HS। HS का मतलब होता है होरा सोमनी। होरा सोमनी HS भी बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, इसका मतलब होता है एट बेड टाइम। सो बेड टाइम पर जो आपको मेडिसिन लेनी होती है उसके लिए यूज होता है HS, यूजुअली सोने से पहले। सो बेड टाइम का मतलब है सोने से पहले आपको लेनी होती है, तो इसका टाइम कुछ 8 बजे होता है रात को, तो 8 बजे ये मेडिसिन यूजुअली लेनी होती है, लेकिन आप बेड पर जाने से पहले, सोने से पहले भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। HS का मतलब है बेड टाइम पर ही आपको मेडिसिन लेनी है रात को। देन आता है HN। HN का मतलब होता है हैक नोक्टे, लैटिन में इसका मतलब है, एंड इसका मीनिंग क्या होता है, टुनाइट। HN मतलब टुनाइट, टुनाइट मतलब आज रात को आपको ये मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट एब्रीविएशन है CM। CM का लैटिन में फुल फॉर्म है क्रैसमेन। क्रैसमेन का मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग। सो पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था OM, दैट इज ओमनी मेन। सो ओमनी मेन क्या था, ईच मॉर्निंग। सो मेन का मतलब है मॉर्निंग, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं CM। CM इज क्रैस मेन। सो क्रैस का मतलब यहाँ पर क्या है, टुमारो, एंड मेन का मतलब मॉर्निंग। सो कल सुबह आपको अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन पर लिखा है CM, CM का मतलब ये आपको मेडिसिन कल सुबह लेनी है। देन आता है PRN। PRN का मतलब होता है लैटिन में प्रो रे नैटा। सो PRN का ये भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, इसका मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड।
सो PRN का मतलब है जब भी आपको जरूरत पड़े इस मेडिसिन की तब आप ले सकते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल। सो पैरासिटामोल आप ले सकते हैं जब आपको फीवर हो। तो PRN इज व्हेन नेसेसरी, जब आपको इसकी नीड हो या जरूरत हो तब आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। देन आता है SOS। SOS का मतलब होता है लैटिन में साई ओपोसिट, और इसका मतलब होता है इफ नेसेसरी इन एमरजेंसी। सो एमरजेंसी में SOS का मतलब है जब भी आपको एमरजेंसी में इस मेडिसिन की जरूरत हो तब आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। सो SOS यूज होता है इफ नेसेसरी इन एमरजेंसी। देन आता है स्टैट। स्टैट का मतलब होता है लैटिन में स्टैटिंग, और इसका मीनिंग होता है इमिजिएटली, एट वंस। तो जो मेडिसिन आपको इमिजिएटली लेनी है और एक बार लेनी है, सो अगर किसी मेडिसिन के आगे लिखा है स्टैट, फॉर एग्जाम्पल आपको एमलोडिपिन जो कि हाइपरटेंसिव मेडिसिन है वो अभी आपको एट स्टैट लेनी है। स्टैट मतलब अभी ले लीजिए एक बार, इमिजिएटली एट वंस, एक बार ये अभी मेडिसिन ले लीजिए इमिजिएटली। सो नेक्स्ट एब्रीविएशन भी बेस्ड है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि किस टाइम हमने मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है। सो नेक्स्ट एब्रीविएशन है एच। एच का लैटिन में मतलब होता है या डेरिवेशन होता है होरा। सो एच मतलब होरा, और इसका मीनिंग होता है आवर। सो एच का मतलब है आवर। सो सिंपली किसी के भी आगे एच लगा है, लाइक 4H लगा है या 6H लगा है या 12H लगा है, इट मीन्स एवरी 12 आवर, एवरी 4 आवर, एवरी 6 आवर एंड सो ऑन। जिसके आगे भी एच लगा है, एच का मतलब है आवर। सो मीन्स इतने घंटे बाद आपने मेडिसिन लेनी है। सो देन नेक्स्ट आता है BID, या फिर इसको BD भी कहते हैं। सो BID या फिर BD का मतलब है लैटिन में बिस इन डाई, और इसका मीनिंग होता है ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे मतलब दिन में दो बार। सो इसको 12H भी बोलते हैं। 12H मतलब एवरी 12 आवर, मींस हर 12 घंटे के बाद। सो इट मींस 12 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे सो 2 आएगा, इट मींस ट्वाइस अ डे। सो 12 घंटे के बाद, लाइक एक मेडिसिन आपने अब ली है लाइक 8 o'clock, सुबह 8 बजे, 8 AM एक मेडिसिन ली है, तो आपने दूसरी मेडिसिन कब लेनी है, रात को 8 बजे, मीन्स 8 PM। सो इसको ट्वाइस अ डे बोलते हैं BD, या फिर 12 आवर, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ट्वाइस अ डे लाइक मॉर्निंग एंड देन नाइट, या फिर इवनिंग में आपने ले ली है। देन आता है TID, या फिर इसको TDS भी बोलते हैं, या फिर 8H भी बोलते हैं। सो TID का मतलब होता है टर इन डाई, एंड इसका मीनिंग होता है 3 times a day, सो दिन में 3 बार, या फिर 8H। सो 8 आवर मतलब एवरी 8 आवर, मतलब हर 8 घंटे के बाद, और अगर 8 को आप डिवाइड करेंगे 24 से तो आएगा 3, इट मीन्स 3 times a day, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट। देन आता है हमारा QID, या फिर इसको QDS भी बोलते हैं, या फिर 6 आवर भी बोलते हैं। सो इसका लैटिन में मतलब होता है क्वार्टर इन डाई, एंड इसका मीनिंग है 4 times a day, मतलब दिन में 4 बार। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट। सो QDS या फिर QID 6 आवर, मीन्स एवरी 6 आवर, हर 6 घंटे के बाद, हर 6 आवर्स के बाद। नेक्स्ट आता है हमारा 4H। 4H मतलब एवरी 4 आवर, मतलब हर 4 आवर्स के बाद आपको मेडिसिन लेनी है, तो इसका आता है 6 times a day। अगर आप 4 को डिवाइड करोगे 24 से तो आएगा 6, तो इट मीन्स आपको 6 times a day लेनी है। सो इसकी जो डोज है वो इस तरह से भी होती है, लाइक 4 आवरली अगर आपको लेनी है, तो सपोज आपने मॉर्निंग में 6 o'clock ली, देन 12 o'clock आप लोगे आफ्टरनून में, देन इवनिंग में आप 6 o'clock लोगे, एंड नाइट में आप अगेन 12 o'clock लोगे, एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग आपको वो 4 o'clock लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है RX। सो हमने ये सिंबल बहुत बार देखा होगा, दैट इज RX। सो RX का लैटिन में मीनिंग होता है टेक 2, एंड इसका मीनिंग होता है टू टेक। सो मेडिसिन लेना, टू टेक मीन्स लेना, और इसका मतलब है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। सो जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है, तो वो आगे ये सिंबल डालता है RX।
नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के अकॉर्डिंग, कि ड्रग की प्रिपरेशन क्या है, लिक्विड है, सॉलिड है या मिक्सचर है, या किस टाइप का ड्रग का प्रिपरेशन है, उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है. सो इधर है एब्रीविएशन, लैटिन फॉर्म क्या है और उसका मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट हमारा आता है AQ डॉट. सो AQ का मतलब होता है लैटिन में एक्वा. सो एक्वा का मतलब इजी है वाटर. सो वाटर फॉर AQ. देन आता है AQ डेस्ट. सो AQ डेस्ट का मतलब है डेरिवेशन, इसका लैटिन मीनिंग है एक्वा डेस्टिलेटा और इसका मीनिंग होता है डिस्टिल्ड वाटर. सो अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में जस्ट AQ लिखा है इट मीन्स सिंपल वाटर, एंड AQ डेस्ट लिखा है इट मीन्स डिस्टिल्ड वाटर, उसमें ऐड करना है या उसके साथ मिक्स करना है. देन आता है हमारा DIL. DIL का मतलब होता है लैटिन में डाइल्यूटिस और इसका मीनिंग क्या है डाइल्यूट. डाइल्यूट अगर हमें किसी मेडिसिन को डाइल्यूट करना है तो उसके आगे लिखा होगा DIL. देन आता है ET. ET का मतलब लैटिन में ET एंड इसका मीनिंग होता है एंड. सो अगर ET लिखा है तो उसका मतलब है एंड. देन आता है FL. FL का मतलब है लैटिन में फ्लूइडम और फ्लूइडम का मीनिंग है फ्लूइड. सो अगर फ्लूइड को प्रिस्क्राइब किया गया है तो FL लिखा होगा. देन आता है INF. INF का मतलब लैटिन में होता है इन्फ्यूजम और इसका मीनिंग क्या है इन्फ्यूजन. तो अगर कोई भी मेडिसिन इन्फ्यूजन के थ्रू देनी है तो क्या लिखा होगा INF इन्फ्यूजन. देन आता है EMPL. EMPL इसका मीनिंग लैटिन में है एम्प्लास्ट्रम और इसका नॉर्मल मीनिंग क्या है प्लास्टर. सो प्लास्टर का एब्रीवेशन क्या है EMPL, इसको आप ध्यान दें. देन आता है LIQ. LIQ का मतलब है लैटिन में लीकर और इसका मीनिंग क्या है लिक्विड. सो लिक्विड फॉर LIQ. देन आता है MIST, दैट इज मिस्ट. MIST का मतलब है लैटिन में मिस्ट्यूरा और इसका मीनिंग क्या है मिक्सचर. सो अगर किसी मेडिसिन का मिक्सचर देना है या फिर मिक्सचर को डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मिक्सचर अगर बोलना है तो उसका एब्रीवेशन क्या होगा MIST. देन आता है OL डॉट. इसका मतलब है ओलियम, इसका लैटिन में मीनिंग है ओलियम और इसका मीनिंग क्या है ऑयल. देन आता है PIL. इजी है पिल. सो इसका लैटिन में मीनिंग है पिल्यूला और नॉर्मल मीनिंग क्या है पिल. सो अगर पिल देनी है किसी को प्रिस्क्राइब करनी है तो क्या प्रिस्क्रिप्शन में होगा पिल PIL डॉट. देन आता है PULV. PULV का मतलब है लैटिन में पल्विस और इसका मीनिंग क्या है पाउडर. देन हमारा आता है SYR डॉट. इसका लैटिन में मीनिंग है सिरपस और इसका नॉर्मल मीनिंग क्या है सिरप. सो SYR जहां भी लिखा है उसका मतलब है सिरप. देन आता है SUPP. सो SUPP का मतलब क्या है सपोजिटोरियम और इसका नॉर्मल मीनिंग क्या है सपोजिट्री. सो सपोजिट्री जहां भी लिखा है तो उसकी एब्रीवेशन क्या है SUPP. सो SUPP इज सपोजिट्री. हमें पता है वजाइनल सपोजिट्रीज होती है, रेक्टल सपोजिट्रीज होती है जो इन रूट के थ्रू दी जाती है वजाइना और रेक्टल के. देन आता है SOL. SOL का मतलब है लैटिन में सोल्यूशियो एंड इसका मीनिंग क्या है सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन SOL कहीं भी लिखा है प्रिस्क्रिप्शन में सो उसका मतलब है सॉल्यूशन. नेक्स्ट एब्रीविएशन है UNG डॉट. सो लैटिन में इसका मतलब है अनकेंटम और इसका मीनिंग होता है ऑइंटमेंट. सो जो ऑइंटमेंट्स होते हैं टॉपिकली अप्लाई करने वाले उसके लिए हम एब्रीविएशन यूज करते हैं UNG. देन आता है INJ. सो INJ का लैटिन में मतलब है इंजेक्शियो और इसका मीनिंग है इंजेक्शन सिंपल. देन CAP. CAP इज कैप्सूला लैटिन में और इसका मतलब है कैप्सूल. और TAB. TAB का लैटिन में मतलब है टेबेला और इसका मीनिंग है टैबलेट. BOL डॉट. BOL का मतलब होता है बॉलस. सो बॉलस का मतलब होता है अ लार्ज पिल. सो जब हमने ज्यादा अमाउंट में मेडिसिन देनी होती है तो हम बॉलस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. सो BOL का मतलब है बॉलस. सो बॉलस का मतलब होता है जब ज्यादा अमाउंट में चाहे वो लिक्विड हो, चाहे IV फ्लूइड हो, चाहे मेडिसिन हो या फिर कोई पिल हो. नेक्स्ट आती है अमाउंट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन. सो इसमें फर्स्ट आता है C ओवर बार.
सो अगर सी के ऊपर ओवर बार है, मीन सी के ऊपर इस तरह से लाइन है ऊपर, तो इसका मतलब होता है विद. सो किसी भी अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है ये सिंबल है तो इट मीन्स इसके साथ विद. देन आता है एस. अगर एस के ऊपर ओवर बार है मीन्स एस के ऊपर लाइन है, उसका मतलब होता है विदाउट. देन हमारा आता है सी सी. सो अगर स्मॉल सी सी है सो सी सी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर. सो ये एक अमाउंट है. देन आता है जी टी टी. सो अगर जी टी टी लिखा है तो उसका मतलब है अ ड्रॉप. सो एक ड्रॉप देनी है, इट मीन्स जी टी टी. देन आता है सिंपली ओ. ओ का मतलब होता है अ पिंट. ये भी अमाउंट है. देन ओ जेड. ओ जेड का मतलब होता है आउंस. अगेन अमाउंट. देन जी आर जी. जी आर जी का मतलब होता है गार्गिल. सो अगर कोई भी मेडिसिन लाइक बीटाडीन जी आर जी लिखा है सो इट मीन्स बीटाडीन के गार्गिल करने हैं, गरारे करने हैं. देन आता है एल बी. सो एल बी का मतलब होता है पाउंड. देन आता है जी ए एल. जी ए एल का होता है गैलन. अगेन ये अमाउंट है. देन आता है एस एस या एफ एस. सो एस एस या फिर एफ एस का मतलब होता है हाफ, मीन्स हाफ या फिर सेमी या फिर हैमी. सो हाफ सेमी हैमी तीनों सेम चीज है एस एस और एफ एस के लिए. बाकी कॉमन है जैसे कि जी फॉर या फिर जी एम इज ग्राम, के जी इज किलोग्राम, एम एल इज मिली लीटर, एम एम इज मिलीमीटर. सो ये सब अमाउंट्स इंपॉर्टेंट है. देन ये सब एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने डिस्कस की है, इनका पता होना जरूरी है क्योंकि हम मेडिकल एनवायरमेंट में रोज इन टर्म्स से इनकाउंटर करते हैं. So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.